हेलो माय फैमिली, तो आज हम खेल लेते डुओ से स्कॉट और इस लैब में जंप करते हैं, तभी दो बंदे साथ में जंप कर जाते हैं हमारे। अब उतरते ही मेरे को पैन मिल जाता है, पैन इस बंदे के मैं मार देता हूँ लेकिन ये नॉक नहीं होता। तभी मेरा टीममेट एक बंदे को मार देता है जो कि शायद सोलो से स्कॉट खेल रहा था। यहाँ पे ये बंदा फिनिश हो जाता है। मेरा टीममेट इस दूसरे बंदे को भी फिनिश कर देता है नॉक करके। अब ये दो बंदे तो ख़त्म हो चुके थे जो हमारे साथ उतरे थे, लेकिन अभी भी काफ़ी बंदे अलाइव थे। चूँकि अब मुझे लग रहा था यहाँ पे बंदे नहीं हैं, इसीलिए मैं थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। तभी मेरे को सामने एक बॉट दिखता है, मैं उसको मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन इस वाली गन से ये नॉक नहीं होता है। फिलहाल इस बोट को ख़त्म करके मैं अपने टीममेट को यहाँ से निकलने के लिए बोलता हूँ। ओके, वेलकम। अब टेलीपोर्ट होके जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बंदे थे। अब मैं सोच रहा था मुझे यहाँ पे छोटे से बड़ा होना पड़ेगा, तभी मैं इनको मार पाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्वांटम फील्ड से बाहर आ जाता हूँ ताकि मैं नॉर्मल हो जाऊँ, फिर इन्हें जाके मार सकूँगा। फिलहाल इन दोनों बंदों को मैं फिनिश कर देता हूँ, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे बंदे अलाइव थे तो मैं अपने टीममेट को लूट करके यहाँ से जाने के लिए बोलता हूँ। अब हम यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी ये बगी वाला बंदा मेरे को दिख जाता है और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। Watch out! फिलहाल यहाँ पे ये लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, बीच में हमने थर्ड पार्टी करके इनका किल चुरा लिया। अब यहाँ से लूट करके हम आगे निकलते हैं।
अब यहाँ पे जैसे ही हम ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं, ये बंदा गाड़ी लेके खड़ा होता है। फिलहाल हम इसको फिनिश कर देते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैगी नॉक किया, नॉक किया। अब ये बंदा बगी लेके यहाँ पे स्पाइडरमैन बनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेरा टीममेट इसको नॉक कर देता है। लेकिन तभी मेरा टीममेट सामने एक मार करता है, जो कि सामने इसके बंदे अभी भी अलाइव थे। वो काम ही है। Mark the location. Watch out. Mark the location. So come here, please. फिलहाल ये स्क्वाड यहाँ पे ख़त्म होती है। इसका ये बंदा पीछे पत्थर के छुपा हुआ था, जिसको मैं फिनिश कर देता हूँ। अब हम इन बंदों के क्रेट लूट के यहाँ से जल्दी से निकल रहे होते हैं कि तभी सामने मुझे एक ड्रॉप दिख जाता है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इसको लूट लिया जाए और मुझको इसमें ग्रोजा मिल जाती है। हम बंदे खोज ही रहे होते हैं कि तभी ये बगी वाले बंदे हमको दिख जाते हैं और हम इनको फिनिश कर देते हैं। You killed him and they dead. इन बंदों के क्रेट से मुझे AWM मिल जाती है और AWM के साथ मैं यहीं से आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे M4 ग्लेशियर वाला बंदा मुझे नॉक कर देता है। मैं लेटने का ट्राई तो करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नॉक हो जाता हूँ। ए व्हाई यू यूज ब्रो, माय फोन इज लैगिंग। यू आर कमिंग ब्रो। Yes, they go. Someone is here. यहाँ पे बंदे मेरा किल चुरा लेते हैं और मेरे ऊपर फायरिंग भी करते हैं, लेकिन मैं कैसे भी करके बच जाता हूँ। Where's the enemy? Please mark. Hey. Yeah. Nice. Oh, he broke you. Oh. चूंकि सर्कल
छोटा हो गया था और हम आउट ऑफ जोन थे। मैं नहीं चाहता था हम जोन से मारे जाएं, इसीलिए मैं अपने टीममेट को जाने के लिए बोलता हूं। दैट जस्ट डिड नॉट वेकिंग ब्रो। यहाँ पे ये स्क्वाड खत्म हो जाती है और चार बंदे अलाइव थे, लेकिन हम आउट ऑफ सर्किल थे, इसीलिए मैं अपने टीममेट को सर्किल में जाने के लिए बोलता हूँ। स्टॉप ऑन कवर, लेट्स गो हियर। यहाँ पे मेरा टीममेट इस बंदे को काफी M4 मारता है, लेकिन मैं अपने ओम से इसका किल चुरा लेता हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा अलाइव था और मुझे पता था वो कहीं ना कहीं सांप बन कर लेटा होगा, इसीलिए मैं अपने टीममेट को बोला क्योंकि वो हमें फिनिश कर सकता है। इसी के साथ हम यहाँ पर चिकन डिनर निकाल लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न है तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।